इस बात की क्या गारंटी है जो आने वाली है आपकी सोच के मुताबिक होगी, मेरा ख्याल रखेगी? ये मेरा है। क्यों, कोई शक? नहीं, बल्कि मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है। हसाम भी मुझसे बहुत बदगुमान रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनकी ये बदगुमानी किस तरह दूर करूं। सब अल्लाह पे छोड़ दो, फिर देखना तुम्हारी सारी मामलात कैसे ठीक करता है। आपको यकीन है? पूरा यकीन। क्या ये बदगुमानी इतनी आसानी से खत्म की जा सकती है? अगर आप हक पर हो तो क्यों नहीं? यही तो मसला है। कैसे मैं अपने दिल को समझाऊं कि तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती? मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं ला सकती। तो मैं खुद को कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें सच्चे दिल के साथ चाहता, लेकिन तुमने मेरे जज्बों की बिल्कुल कदर नहीं की, अपने झूठ तले रौंद डाला। तुम क्या समझती थी बेवक्त वक्त दो मर्दों को तुम बेवकूफ बना सकती हो? घर में एक की मोहब्बत को कबूल करके घर वालों को मुतमईन करो और बाहर दूसरे से अफेयर चला के एंजॉय करो। क्या आप मुझे ऐसा समझते? ऐसा नहीं समझता था मैं तुम्हें। बहुत आला मकाम था तुम्हारा मेरी नजरों में, एक ही झटके में खत्म कर दिया तुमने। मैं नहीं जानती आपकी इस बदगुमानी को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो किस्मत ने ना चाहने के बावजूद भी तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल कर ही दिया। इसे निभाना मेरी मजबूरी है। चाहे तुम्हारा साथ मेरे लिए बाइस खुशी हो या बाइस दुख। शहबाज भाई कैसे हैं तुम्हारे साथ? अच्छे हैं, बिल्कुल पहले जैसे। और उनके घर वाले? वो भी ठीक ही होंगे, मुझे इससे क्या। आप ही तुम उनसे मिलने की कोशिश करो ना, दिल में जगह बनाओ ताकि वो तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करें। क्यों, मुझे क्या गर्ज पड़ी है? मेरा मतलब सिर्फ शहबाज के साथ, वो बेशक मुझे अपनी बहू ना तस्लीम करे, मुझे क्या। लेकिन आप ही इस तरह हमेशा तो नहीं होगा ना। देखो आगे चल के तुम्हारे बच्चे होंगे, माशे मकाम पाने के लिए उनको नाम की जरूरत तो पड़ेगी। तुम्हें पता इतने कम दिनों में मैंने कितने पैसे जमा कर लिए, शहबाज ने मुझे कितना पैसा दिया है, कितने जेवर घर और गाड़ी मेरे नाम कर दिए। जब इतनी दौलत हो ना अपने पास तो फिर किसी खानदान के किसी नाम की जरूरत नहीं होती। और अगर उनके घर वालों ने तुम्हारे खिलाफ शहबाज भाई को बदगुमान कर दिया तो फिर? जब भी सोचना मेरे लिए बुराई सोचना। जा रही हूं मैं। ये साबरा से कह के जरा मेरा बैग पैक करवा दो। क्यों? मुझे कुछ दिन के लिए मुल्तान जाना है। ये आजकल आपके दौरे कुछ ज्यादा नहीं होते जा रहे? अरे बाबा काम भी तो करना पड़ता है ना। क्यों? अब वो जो इतने नौकर और मजारे रखे वो किस दिन काम आएंगे? अरे बाबा इन पे तो नहीं रहा जा सकता ना, गड़बड़ करते हैं। ठीक है फिर मैं भी साथ चलती हूँ।
वैसे भी यहाँ बैठे बैठे तंग होती, वहाँ थोड़ा घूम फिर लूंगी। मुल्तान जाकर क्या करोगी? कौन सी वहाँ ऐसी घूमने की जगह है? क्यों, वहाँ जीनत भी तो रहती है ना। अच्छा, उससे मिल भी लूंगी। अभी 6 महीने पहले तो आई थी वो, और वैसे भी वहां मुझे बहुत से लोगों से मिलना है, मुलाकातें हैं, मेरी लंबी इलेक्शन जो सर पर है। और वैसे तुमसे ना मिला और तुम्हें वहां टाइम ना दिया तो फिर तुम बुरा मनाओगी कि वक्त नहीं देते। जैसे यहाँ तो बड़ा वक्त देते हैं ना आप मुझे। मुल्तान से आने के बाद मैं तुम 1 हफ्ते के लिए बाहर लेके जाऊंगा। बात आपके बातें बस बातें ही होती हैं। लेकिन इस बार पक्का। अच्छा, आप मेरा सामान पैक करवा दो। चला गया मेरा बच्चा मुझे यूं अकेला छोड़ के, कहां से लाऊं मैं तुझे मेरे बच्चे? हाय, मेरा तो सारा घर वीरान कर दिया तूने। अरे अम्मी, क्या हो गया मेरा बिट्टू? माँ क्यों करती हो ऐसा? तो बच्ची तो नहीं है ना कि इस बात को ना समझ सको कि भाई उस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं मानता? अरे अम्मा, अपने दिल को समझाएं, बिना वजह में इस तरह रोया मत करें। हम लोग परेशान हो जाते हैं। इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी अम्मी। कितने दिन गुजर गए भाई के इंतकाल को, मगर तुम्हारा रोना आज भी वैसे का वैसा ही है। लेकिन जाने की उम्र तो मेरी थी ना बेटी, और चला गया वो, औलाद ही हो जाती उसकी तो देखकर चैन तो आ जाता मुझे। शुक्र करो कि औलाद नहीं है। क्यों? अरे तो उर्वा उसे अपने मेके में ले जाके पैदा करती ना, और फिर हमें मिलने ना देती। हाँ ना, हम उस बच्चे की शक्ल देखने के लिए तरस जाते हैं अम्मा। बेशक ना मिलाती हमें, लेकिन मेरे बच्चे का आदिल का कोई वारिस तो होता, कोई नाम लेवा तो होता मेरे बच्चे का। बोलो, पहुंच के दस ना कर। मुल्तान से वापसी पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लंदन चलेंगे, ठीक है? आगे फिर मैं इलेक्शन मसरूफ हो जाऊं, तुम तैयारी रखना। आप पहले वापस तो आए, फिर देखेंगे। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इस बार हम वाकई चलेंगे। अच्छा, देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ, निकल गए हैं यहां से। हेलो। हेलो अनम, मेजान अपना बैग तैयार कर लो। हाँ, हम 2-3 दिन के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर? मेजान रात 9 बजे की फ्लाइट है, और मेरे हिसाब से 3-4 घंटे हैं वापस तैयारी के लिए। अब इतनी जल्दी मेरी पैकिंग कैसे होगी? अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ, आपने तो मुझे बहुत टेंशन में डाल दिया है। ओके, सी या। Thank you.
लो। अच्छा मेरे काले जूते और मेरा बैग। अमन यार जल्दी कर लो, फ्लाइट का टाइम निकला जा रहा है। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, अभी बहुत वक्त है। एक बात तो बताइए, ये अचानक सिंगापुर का ख्याल कैसे आ गया? यार तुम्हारी ही ख्वाहिश थी, तुम ही हमेशा जिद करती थी कि कहीं बाहर नहीं लेके जाते, कहीं घुमाते फिराते नहीं। मैंने सोचा चलो सिंगापुर ही से। हाँ क्योंकि वहां हमारे ताल्लुक पर एतराज करने वाला कोई नहीं होगा, हमें पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। इतना नेगेटिव क्यों सोचते? मैं तो सिर्फ इसलिए ये प्लान बनाया कि हम वहां जाके आराम से बगैर किसी खौफ के घूमे फिरेंगे। ये कौन आ? पता नहीं, यहां तो कोई नहीं आता। तुम्हारे घर से कोई? लेट मी चेक। तो ये है आपके मुल्तान का ट्रिप। आपने धोखा दिया मुझे, मुझसे झूठ बोल बोल कर आप इस आवारा औरत के साथ रंगरलियां मनाते रहे। तमीज से बात करो, मैं एक शरीफ औरत हूं। शरीफ औरतें यूं गैर मर्दों के साथ खुफिया जिंदगी नहीं गुजारती। ये गैर मर्द तो नहीं है, ये मेरे शौहर है। मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ कमल, तुम मेरे साथ चलो। क्या समझाते? यही क्या आपने मुझसे झूठ बोल के दूसरी शादी की? क्या आपने मेरी जगह किसी और औरत को दी? तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता कमल, तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरे साथ आओ। हुजूर बख्श, मेरे कपड़े इस्त्री हो गए। ये रहे आपके कपड़े, मैंने इस्त्री कर दिए। आपको किसने कहा था मेरे कपड़े इस्त्री करने को? क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। जानता हूं आप कितनी जिम्मेदार है। अरे बाबा कब से मना रहा हूं तुम्हें मैं, इतने घंटे हो गए हैं, चलो अब तो मान जाओ। आपने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे। अरे एक मजबूरी हो गई थी। देखो बताता हूं, तुम मेरी एक छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकती। मैं पापा को बताऊं, अब वो ही पूछेंगे कि पूरी कहानी क्या है। देखो अगर बात उन तक पहुंची तो झगड़ा बढ़ जाएगा, और इसमें सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी नुकसान। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? अरे बाबा धमकी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि इस बात को यही खत्म करो। कैसे खत्म करूं? आप खत्म कर सकते हैं क्या? मतलब तलाक दे दें इसको। आपको उसे आज और अभी तलाक देनी होगी, तभी ये बात मैं बाबा तक नहीं पहुंचाऊंगी। देखो वो एक बेजरर सी औरत, और कमल अगर जानती हूं मैं ऐसी औरतों को, मेरे फ्लैट पे कब्जा करके बैठी हुई है। मगर हमारे पास तो ऐसे बहुत से फ्लैट हैं। लेकिन मैं अपनी चीज किसी को क्यों दे दूं? अरे बाबा तुम्हें शहबाज अहमद खान चाहिए या वो मामूली सा फ्लैट? तो निकाह कर चुका हूं मैं, उसको निकाल के घर से बाहर तो नहीं फेंक सकता ना। ऐसी औरतें निकाह के काबिल होती हैं क्या? वो भी खानदानी मर्दों से।
अच्छे खासी फैमिली से ताल्लुक है उसका। हाँ हाँ, इसीलिए अच्छे खासे आदमी ने उसे तलाक दे दी। उसके शौहर का उसकी बहन के साथ अफेयर था, इसीलिए उसके शौहर ने उसको तलाक दिया। तो यानी सारा खानदान ही ऐसे? आप उसको तलाक दे रहे हैं या मैं बाबा को जाके बताऊं? पुप्पो अब नाश्ता कर ले, इस अखबार के चक्कर में ना आपका पूरा नाश्ता ठंडा हो गया। चले छोड़े लो, लग गया। हसान को उठाया तुमने? जी पप्पो, बस वो आते ही होंगे। सलाम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी जल्दी से चाय बना दे, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अपनी बीवी से कहो अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। मैं देख रहा हूँ आप मेरी तरह से बिल्कुल लापरवाह होती जा रही हैं। बेटा जब बीवियां घर में आ जाती हैं तो माँ आजाद हो जाती हैं। मैं चाय लेके आती हूँ। अनम को भुगतने के बाद उर्वा का तुम्हारी जिंदगी में आ जाने के लिए तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। अम्मी वो सारे जतन इसलिए कर रही है ताकि वो अपनी गलतियों को छुपा सके। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, उसे अपनी गलतियों का एहसास तो है ना। कुछ लोगों को तो किसी चीज का भी एहसास नहीं होता। इस घर में जितने हकूक हासिल हैं उनसे तजावुज ना करो। मैं पाबंद नहीं हूं तुम्हें अपने एक एक मिनट का जवाब दूं। समझ आई? सब समझती हूं मैं। आप कहां उड़े उड़े फिरते हैं, इसीलिए तो ड्राइवर को साथ लेके नहीं जाते। ड्राइवर वो जासूसी करेगा मेरी, शहबाज अहमद खान की? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे दूर होते चले जा रहे हैं? अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं, और अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो एक बात याद रख, तुम हमेशा अव्वल ही रहोगे। वही हुआ ना जिसका शक था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी पर सौत लाने की? बाबा साई मैं मजबूर था। और ऐसी भी क्या मजबूरी थी, शादी की भी तो ऐसी अरी गरी थी। तुम्हें कोई खानदानी औरत नहीं मिली शादी के लिए? खानदानी औरतें यूं दौलत की लालच में दूसरे का घर नहीं उजाड़ती। कहां उजड़ा है तुम्हारा घर, मैं तुम्हें छोड़ थोड़ी रहा हूं। और बाबा साईं क्या हमारे खानदान में मुझसे पहले किसी ने दो शादियां नहीं की? मैंने तुमको अपनी बेटी सिर्फ इसलिए दी थी कि मैं समझता था कि तुम दूसरों से अलग हो, बाहर से डिग्री लेकर आए हो, मगर मुझे क्या मालूम था कि अंदर से तुम भी उनकी तरह निकलोगे।
खैर अब जो हुआ सो हुआ, तुम्हें अब उस दो टके की लड़की को तलाक देनी होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स को सीज करवा सकता हूं, और रही जमीनों की बात तो वो तुम कमल के दस्तखत के बगैर बेच नहीं सकते। अब खुद ही सोच लो कि क्या तुम उस दो टके की लड़की के लिए ये सब कुछ छोड़ना चाहोगे? यानी आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम चाहे जो मर्जी समझो, मगर मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। और उसने भी आपसे दौलत के लिए शादी की है। जब दौलत ही नहीं रहेगी तो वो भी नहीं टिकने वाली। दे दे उसको तलाक। पोपो, आज खाने में क्या पकाऊं? तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी बना लो। हसाम क्या शौक से खाते हैं? उसे चाइनीज बहुत अच्छा लगता है। जी पोपो। वाह, बैठो जरा मेरे पास। जी बेटा, हसाम के रवैये से थककर बैठ नहीं जाना। वो एक दिन जरूर तुम्हारी तरफ पलटेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कोशिश करनी है। वरना मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें बहुत पसंद करता था। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे नाम की रोशनी उतरती देखी है। और तुम्हें पता है कि रोशनी कब आंखों में उतरती है? जब वो किसी को चाहने लगे। लेकिन अब तो उनकी आंखों में मिली सिर्फ गुस्सा और नाराजगी रह गई है। उनकी शिकवा भरी आंखें मेरी सारे एतमाद को बस खत्म सा कर देती है। होता है बेटा, होता है। गलत फहमियां गलत बनकर मोहब्बत वाले बिल्कुल लपेट में ले लेती है, और हमें उस गलत को मोहब्बत से हटाना। पप्पू, सब आप ही मेरी उम्मीद का किरण है। अच्छा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना अजहर कहेगा कि हम दोबारा मिलने नहीं आए। और हाँ, ज्वेलरी जरूर पहनना। जी पप्पू। भी कोई देकर गया है। तलाक। अपसेट है? मैं क्यों अपसेट होऊंगा? नहीं, आप वहां बहुत खामोश थे तो मैंने सोचा शायद। मैं उसके लिए अपसेट होऊंगा जो बिना ख्वाहिश मेरी जिंदगी में आई, जिसके लिए मेरे दिल में कोई भी जगह नहीं थी। मेरा दिल तो लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और मैं ये जान गया था। मेरा अल्लाह गवाह है, आनम से निभाने की मैंने पूरी कोशिश की,
मेरे नसीब में वफाई कहाँ है? इसका फैसला आप कैसे कर सकते हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं कहूंगी तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। तुम अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि झूठे अल्फाज का कोई वजन नहीं होता। लाइट बंद कर दो, मुझे सोना। अब तो खुश है ना? मैं तब खुश होंगी जब आप वो सब कुछ वापस लेंगे जो आपने उस पे लौटाया है। देकर लेना हमारी शान नहीं। वो फ्लैट आपने मुझे महल में दिया था, मुझसे गलती हुई, मुझे तभी अपने नाम करा लेना चाहिए था। उसकी औकात है कि वो इतने महंगे फ्लैट में रहे? उफ़, उफ़, तुम्हारी सुई एक जगह आकर रुक जाती है। इतनी आसानी से मैं किसी को अपना हक खाने नहीं दूंगी। मैं भी रजा अहमद खान की बेटी हूं, कोई मामूली औरत नहीं। जानता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं वो अपार्टमेंट और गाड़ी उसके नाम कर चुका हूं। मुझे अपना हक लेना आता है। क्या करोगे तुम? वो आप छोड़ दें। कभी खुश भी हो जाए करो। सलिशपा का फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। वो बता रही थी कि अनम अपने घर वापस जाना चाहती है। वो घर अब उसका है? जी जी, वो घर शबाज ने उसके नाम जो कर दिया था। ओ अच्छा, तलाक के बाद वो अकेली कैसे रह सकती है? इसी को तो लेके अम्मी और अब्बा बहुत परेशान है। लड़कियों को इतना मुजोर नहीं होना चाहिए। यहाँ का माहौल कहाँ है ऐसा कि लड़की अकेली रह सके? इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी? फर्क पड़ता है बेटा, अभी हम इतने मॉडर्न नहीं हुए कि जवान जहाँ लड़कियों को अकेले रहने दे। हैरत तो मुझे असगर पे होती है कि वो उसे नहीं रोक रहा। रोकेंगे भी तो क्या रुकने वाली हो? मैं समझाऊंगी उसे। जिसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी वो आपकी क्या सुनेगी? यह तो ठीक रहे हो असाम, लेकिन उसे अकेले छुड़ा के तो नहीं जा सकता ना। तुम्हारी पसंद की ला रहा हूँ। कुछ दिन तो सबर कर लेते तुम लोग, कैसे टीवी खोल कर बैठ गए? किसने कहा अम्मा कि इतने दिनों बाद भी टीवी नहीं देख सकते? शौक सिर्फ 3 दिन का होता है। दिल कैसे मान जाता है तुम लोगों का? मेरा तो बिट्टू के बाद जी उठ गया है हर चीज से। अम्मा, मरने वालों के साथ इंसान थोड़ी मर जाता है, आप भी भूल जाओ उसे। वो मेरा बेटा था, कोई घर का मुलाजिम नहीं था, ना ही कोई दूर पार का रिश्तेदार जो मैं उसे भूल जाऊं। तो ठीक है, अपने कमरे में जाओ, शोक मनाती रहे। किसने रोका है आपको? मगर हम घर को कब्रिस्तान ही बना सकते। तू भी नासरा, तू भी। अरे 4 दिन भाई का शोक नहीं मना सकती तू क्या? अम्मा, मैंने कब कहा कि मुझे भाई की मौत का गम नहीं है? अरे इसी गम को तो भुलाने के लिए मैं चीजों से अपना दिल बहलाती रहती हूँ। एक सिपारा पढ़कर तो बख्शा नहीं तूने उसे, ऐसे सारी जिंदगी तुझ पे लुटाता रहा वो अपनी दौलत पैसे सब कुछ। इतना भी हक नहीं है उसका तुझ पर? ताने देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं आपको दिखा दिखा के सिपारे पढ़ूंगी? अम्मा, आप तो खामखा बहस करने लगी। अच्छी खासी फिल्म निकाल दी आपने। तुम्हें तो हमारा टीवी देखना बड़ा बुरा लगा करता था ना, अब कैसे अच्छा लग रहा है? तो इस रोते माहौल में इंसान करे क्या? टीवी देखकर ही दिल बहला सकता है। अम्मा आप जाके ना अपने कमरे में आराम करें,
शहबाज ने तो मुझसे पहले ही कह दिया था कि हमारी शादी सिर्फ तब तक चल सकती है जब तक उनके घर वालों को और उनकी पहली बीवी को पता ना चले। बस आप ही ये सब जानने के बावजूद आपने शहबाज भाई से शादी कर ली थी? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? शहबाज भाई पहले से शादीशुदा हैं और ये बात आपने हमसे अब तक छुपा के रखी? देखो अलिशबा, मैं अगर ये बात बता देती तो अब्बा कभी ना होने देते ये शादी। और आखिर इसमें बुराई क्या है? खुद ही सोचो, मुफ्त में पूरी दुनिया घूम लेती, इतना खूबसूरत अपार्टमेंट, इतना सारा जेवर, पैसा, मैंने सोचा इसमें आखिर बुराई ही क्या है? मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने पैदा होते ही तेरा गला क्यों नहीं दबा दिया? क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? हाँ, जो तवायफ जैसे ढंग अपना लिया तूने, निकाह जैसे मुकद्दस बंधन को पैसा कमाने का जरिया समझ लिया तूने, और यहाँ इज्जत गुजारने का ढोंग रचा रही है तू। अम्मिया प्लीज मत रोए, अम्मिया आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ही ऐसे ही कह रही थी। झूठ मत बोलो, और पूछो इससे कि क्या यहाँ इसने हमारे साथ महरूम जिंदगी गुजारी है? हाँ, दिया क्या है आप लोगों ने मुझे? और अपने लिए बेहतर सोचना तो हर एक का हक है, और मुझे एक अच्छा चांस मिल रहा था तो मैं क्यों उसे गवाती? लेकिन बेटा, अरे आप तो चुप कीजिए, बीच में ना बोलिए। और शादी का क्या है अम्मी, दोबारा हो जाएगी, मुझ में क्या कमी है? अरे इसी तकबर ने तुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया है, दो बार तलाक लेकर आकर घर में बैठ गई है तू। बस अम्मी, तलाक का ताना ना दीजिएगा, बोझ नहीं हूँ मैं किसी पर, जा रही हूँ। आप ही प्लीज मत जाए आप ही। अरे तुम तो ड्रामा बंद करो। बीबी मैंने सब काम समेट लिया, अगर आप इजाजत दें तो कुछ देर सो जाऊं। तुम यहाँ सोने के लिए आई हो? जाओ मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। जी अच्छा, कुछ देर सो जाऊं, सोने के लिए रखा है ना उसको मैंने। ओफो, अब कौन आ गया है? सब पता चल गया है मुझे, माँ ने बता दिया है तेरी, बहुत पढ़ निकला है ना तेरे, अकेली रहेगी घर में। आहिस्ता बोलिए, ये आपका मोहल्ला नहीं है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बात करेंगे या चीखेंगे चिल्लाएंगे तो लोग पुलिस को बुला लेंगे। अच्छा चल, घर लेने आया तुझे मैं वापस। अगर मुझे जाना ही होता तो मैं आती क्यों? मैं तुझे अकेले रहने की इजाजत नहीं दे सकता यहाँ। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, उर्वा नहीं हूं मैं जो चुपचाप आपकी मार सह लूंगी। खुदा के लिए मेरे मामलात में दखल अंदाजी बंद कर दे। बहुत जबान चलने लगी है तेरी, सीधा कर दूंगा तुझे मार मार के। पहले मार मार के उस नशेई को तो सीधा करे जो हॉस्पिटल में खूब आपका नाम रोशन कर रहा है। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, चले जाइए आप यहां से, जाइए, मुझे आपके उस गंदे फटीचर बदबूदार घर में नहीं रहना। आप जाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? बाप को निकाल देगी, निकाल दे बाप को, सही कर रही है तू। इसका अंजाम दे लेना तू। राहत बाजी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। बैठे बैठे बहुत दिनों से सोच रही थी तुमसे मिलने आने का, आज निकलिए। अच्छा किया ना। तुम्हारे हस्बैंड और सास कैसे हैं तुम्हारे साथ? दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग हैं। शुक्र है तुम्हें कदरदान लोग तो मिले, वरना तुम्हारी पहले ससुराल और शोहर बड़े जाहिल लोग थे। मैंने तो पूरी निभाने की कोशिश की थी राहत बाजी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में सिर्फ इतना ही लिखा था। जानती हूँ तुम जैसी लड़की रिश्ते निभाने में कोई कमी नहीं करती, लेकिन वो लोग तुम्हारे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं थे।
आजमाइशें भी हमेशा नहीं रहती, खत्म हो ही जाती हैं। ये तो है। तुम्हारी शायरी का क्या हाल है? खामोशी से लिखती रहती हूँ बगैर किसी को बताए। गुड, मैं भी यही सोच रही थी कि लोगों की तंग नजरी से तंग आकर कहीं तुमने शायरी छोड़ तो नहीं दी। अब रह भी तो नहीं सकती उसके बगैर। मगर वो सब छुपा के कहाँ रखा है, अफवाह ना यार। नहीं, मैं वैसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे पप्पू और हसाम को कोई दुख पहुंचे। और वैसे भी हसाम की खुशी और मर्जी मेरे लिए सबसे अहम चीज है। क्यों, क्या वो लोग भी तुम्हारे पिछले ससुराल वाले और घर वालों की तरह से कंजर्वेटिव हैं? पता नहीं, लेकिन शायरी हमेशा मेरे लिए मुश्किल का बाइस रही है और मैं ये भी नहीं चाहती कि हसाम को मैं कोई शिकायत का मौका दूं। लगते तो नहीं है वो लोग ऐसे। मेरा नहीं ख्याल कि तुम उनसे जब कहोगी तो वो तुमको मना करेंगे, खासकर हसाम। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी राहत बाजी। वैसे भी मैंने अपनी आरजुओं को दिल में रखना सीख लिया है। खैर, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। बाबा जी, चाय ला दें। उर्वा जी, इधर आ। जी, मेरे पास बैठो। हैरान हो रही हो? नहीं। यही सोच रही हूं ना कि इतनी इनायतें कैसी। मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। क्यों, मिट्टी का बोतू क्या? शायद। ऐसा मत कहो। मुझे हंसती खेलती लड़ती झगड़ती बीवी चाहिए, मिट्टी का बुत नहीं। प्लीज, मुझे इन नजरों से मत देखो। बीवी हो तो ऐसी, शौहर को समझने वाली। हमें सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए जिसमें रफाकत हो। समझौता नहीं। क्या आप सब पिछला भुलाकर ऐसा कर सकेंगे? समझो, मैंने सब कुछ भुला दिया। बेकार की बातें मत करो। बड़ी मुश्किल से हसाम के दिल में जगह बनी है उर्वा की। मेरी जगह ली है उसने और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। आप जैसा चाहेंगे, जैसी आपकी पसंद होगी, मैं अपने आप को वैसा ढाल लूंगी। एक बार मुझे फिर अपना लीजिए हसाम। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, पागल हो गई हो क्या? कौन थे ये लोग हैं? मुझे क्या पता। मुझे पता है, गुंडे थे गुंडे, एक दिन सब कुछ लूट के ले जाएंगे। अकेली लड़की को देख के ना शहद की मक्खियों की तरह बिन बना रहे हैं ये लोग। लूट लेंगे तुझे, चल मेरे साथ।